भैया के साथ में आ चुके हैं भैया। और मैं पता है मैं घर से कह रहा था यार हमें कोई बड़ा ब्लॉगर मिल जाए, हमें कोई बड़ा ब्लॉगर मिल जाए, और मिल गई ये। न्यू वीडियो और आज हम आए हुए मथुरा, पहली बार हम बाहर का ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, और आज हम ब्लॉग बना रहे हैं। जानते हो होगा शुभम आए हुए हैं, बोलो भाई शुभम। आए कहाँ पे हैं अपने? जनपुरी में आए अभी मथुरा, और आने जा रहे हैं लठमार रोटी खेलने। और अभी हम लोगों ने प्लान किया कि यार यहाँ पे आए हैं तो क्या करा जाए, अभी लस्सी तो पीनी बनता है। लस्सी भाई साहब, लस्सी तो पीनी बनता है। चलो फिर टेस्ट करते हैं लस्सी को कैसी है। बड़ा सुना है यहाँ की लस्सी बहुत शानदार है, बहुत शानदार है, तो देखते हैं। मंदिर के कोई क्लिप्स नहीं है क्योंकि वहाँ पे कैमरा ही अलाउड नहीं था, तो लेट्स सी आगे जो भी। हम बरसाने की लठमार होली के लिए जा रहे हैं, यहाँ भी पीछे बात चल रही है, भैया कह रहे हैं बरसाने की लठमार होली चल रही है आज, तो चलते हैं। ये भैया अंकल जी से जानते हैं कि मथुरा की लस्सी बहुत फेमस है। अंकल क्या है ऐसा मथुरा की लस्सी में जो इतनी फेमस है? सब लोग जरा के मथुरा आए तो लस्सी जरूर पीजिएगा, क्या ट्रेंड है ये? ये तो आपको पीने के बाद पता लगेगी, पीने के बाद पता लगेगी। ऐसे कैसे हम बता दें? बिल्कुल, बहुत ही शानदार लस्सी हमको दिखाई दे रही है। माखन लस्सी है, माखन लस्सी है। बहुत शानदार मूछे हैं आपकी, हमें बहुत पसंद आई आपकी मूछे। कॉम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, मूछे हो तो हमारे नत्थू लाल जैसी, क्या बात है। तो देखिए गाइस, बरसाने को जाने के लिए इतनी भीड़ है। उधर आप देख पा रहे हो कितनी सारी कार्स दिखाई दे रही है। इधर आप देखिए पूरे में, जहाँ तक मैं देख पा रहा, कलर डालना शुरू किया है लोगों ने। तो हम बरसाने जा रहे हैं, और बरसाने जाना इतना टफ हो चुका है, कुछ किलोमीटर से हम चल रहे हैं, सारी एक्साइटमेंट किल हो चुकी है, इतनी ऐसा ट्रैवल कर रही है, हर जगह लोगों का जमावड़ा, बूढ़े बच्चे सब, जिनके चोट है जिनकी नहीं है, बस चले जा रहे हैं होली मनाने के लिए। आज यहाँ पे योगी जी भी आ रहे हैं, तो उनका भी पूरा चल रहा है, सबके सब बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, और बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है ट्रैवल करते हुए। मेरी सारी की सारी एक्साइटमेंट किल हो चुकी है, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मुझसे बिल्कुल कोई ताकत नहीं है मेरे अंदर कि अब चला जाए, बट देखते हैं वहाँ पे कैसी वाइब है। मैं मतलब हम कैमरा वाले भैया के साथ में आ चुके हैं भैया, और मैं पता है मैं घर से कह रहा था यार हमें कोई बड़ा ब्लॉगर मिल जाए, हमें कोई बड़ा ब्लॉगर मिल जाए, और मिल गई ये। पता है हमने आपको पैरों वाला फोटो देखा जो आपने अभी क्लिक करके डाला है 2-3 दिन पहले, तब से हम आपको फॉलो कर रहे हैं, मतलब फॉलो हम बटन से कर रहे हैं, पर हम ये सोच रहे हैं कि कैसी करके बस वहाँ पे कैमरे वाले भैया मिल जाए हमें। बस मिल गए हम यार, आप तो बहुत लंबे हो सच में। आप क्या कहना चाहेंगे? बस बढ़िया है, आप मजे से रंग लगाइए, और रंग लगाइए। आपने रंग नहीं लगाया ना अभी? हम ऐसे घूम रहे हैं ना, हमारे रिक्शा में छोड़ के गया ना बिल्कुल अभी बीच में। वही है, अच्छे से खेलिए और शूट कीजिए। अच्छा, थैंक यू सो मच। हाँ, अरे राधा राधा राधा। अरे कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से? बिलवाड़ा जिला से। तहसील उड़ा, जिला बिलवाड़ा। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, गांव चुनी। अरे एक बार बोल दीजिए राधे राधे। राधे राधे। क्या क्या बात है अंकल जी, अंकल आपकी पगड़ी बहुत सुंदर लग रही है। तो ले पगवाले कितने ही। बहुत बढ़िया। एक बार बोल दीजिए सब्सक्राइब, टूटा बटन। थैंक यू अंकल जी। बहुत शानदार लग रहे हैं अंकल जी। बहुत धन्यवाद अंकल जी। अब हम लोगों को ये चढ़ाई करके जाना है, कुछ लोग शॉर्टकट अपनाने के लिए ये पहाड़ भी चढ़ गए। पहाड़ आप देख पा रहे हैं और ऊपर तक है, वैसे वीडियो में शायद इतना नजर नहीं आ रहा है, पर आप देख रहे हो मुझे कितना पसीना आ गया है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, बहुत टफ होता जा रहा है, बट यहाँ का वाइब इतना ज्यादा स्ट्रांग है, मैं उसे आउट ही नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप से, बहुत ज्यादा स्ट्रांग वाइब है। जगह जगह लोग एकदम पागल हुए रहे हैं, कहीं ढोल हो जाना, कहीं आ रहे हैं पूरा डांस वांस करे पड़े हैं भाई, एकदम मस्त मजा आ रहा है। उमेश भैया आप कितने दिनों से यहाँ पे? मैं एक दिन, मतलब दूसरा दिन आपका आज? एकदम
सोमेश भैया आप हम जैसे लोगों की इंस्पिरेशन है सीरियसली। हेलो एवरीवन, होरी रे रसिया पड़ी गोरी रे चले ना। आप सब लोग सर के कॉलेज बडीज हैं क्या या फिर सब वर्क वर्कर सब इंस्टाग्राम से मिले? अच्छा अच्छा अच्छा, सर क्रिएटर्स तीन साल हो चुके हैं आपको? आज दूसरा दिन है। साल वो पीछे था ना, आ जाएगा वो सीधे। मेरे आपको बनारस वाले ब्लॉग से इंट्रोड्यूस कराया था, तब से आपका फैन हो गया हूँ। भैया उस टाइम हमने ना अपनी यूट्यूब चैनल शुरू किया, तो आपने भी अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था, तो मैं तो हम लोग देखते थे इरफान जी ने जो मूरू इन सब लोगों को, तो हम कहते थे इंडिया में ऐसे क्रिएटर्स की मतलब कमी तो नहीं है, पर उस लेवल पे तो कोई नहीं बनाता है ना जिस लेवल पे मूरू खेलते हैं। फिर मैंने कहा कि कोई है कैमरे वाले भैया करके शुभम, तुझे देखना चाहिए, तो इसने बोला चलो देखते हैं कौन है। तो हमने देखा तो हमें तो पहले मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे क्या लगा, मुझे लगा अरे इंस्टाग्राम पे इतने सारे फॉलोवर्स हैं तो यूं ही रीच हो जाएगी, लेकिन काम देखा भाई साहब दिमाग फट के चार हो गया, काम देखकर पागल हो गए। कोशिश है कि कुछ नया बना सके। मुंबई वाले ब्लॉग कुछ सिनेमैटिक तो भाई बहुत ही गजब लगे थे, मैं घर में सब लोगों को दिखा चुका हूं, बार-बार उसको ही दिखा रहा हूं। मतलब लोगों के गाने लूप पे चलते होंगे, हमारे यहाँ ब्लॉग लूप पे चल रहे हैं। किया गया है कि अभी इतनी ज्यादा भीड़ हो जाएगी, अपने फोन वगैरह को सब अपने पॉकेट में डाल लें, पॉलिथीन में डाल लें ताकि इस पर वाटर ना आ जाए, और जूते उतार दें, जूते खराब हो जाएंगे, इतना ज्यादा पानी पड़ने वाला है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इतने ज्यादा पैर चल रहे हैं, पूरे पैर रेड पड़ गए हैं, पर इधर चिल